आपका अपना YouTube चैनल आईटी टेक्निकल जो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे सोल्डर और सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डर क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होती है, किसी भी मेटल यानी शीट के ऊपर सोल्डरिंग कैसे की जाती है और सोल्डरिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, तो वो कंप्लीट इस वीडियो टॉपिक में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि सोल्डरिंग की डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा। सोल्डरिंग की परिभाषा क्या होती है कि यह एक प्रकार का क्या है, एक सेमी परमानेंट ज्वाइंट है, ठीक है ना। यानी सोल्डरिंग क्या है, यह एक प्रकार का अर्धस्थायी ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट को जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम सोल्डरिंग कहते हैं। माध्यम का मतलब है प्रिय विद्यार्थियों सोल्डर, ठीक है ना। दो या फिर दो से अधिक पार्ट या फिर कोई ना कोई सीट या फिर कोई वायर को जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग जो होती है यह आपकी मुख्य दो प्रकार की होती है, एक आपकी सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है, दूसरी हार्ड सोल्डरिंग होती है। सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं उनके ऊपर हमेशा सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है, ठीक है ना। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए गलनांक जो रखा गया है वो आपका 450 डिग्री से कम रखा गया है। सोल्डरिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जोड़े जाने वाली जो धातु होती है उससे जो गलनांक जो होता है उससे हमेशा सोल्डर का गलनांक वो कम रखा जाता है, ठीक है ना। अगर अधिक रखते हैं तो क्या काम करेगा, वो जो कंपोनेंट जो है उसको ही वो खराब कर देगा। इसलिए सोल्डर का गलनांक जो है वो कम होता है और जिस धातु को ऊपर हमें जोड़नी है उस धातु का गलनांक हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो सोल्डरिंग है वो बेस्ट हमारी रहेगी। उसके बाद हार्ड सोल्डरिंग में क्या है, हार्ड सोल्डरिंग के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े कोई ना कोई वायर है या फिर कोई सीट है, बढ़िया करके कोई कंपोनेंट है, वहां पे हमेशा ये हार्ड सोल्डरिंग की जाती है। हार्ड सोल्डरिंग के अंदर क्या होती है, 450 डिग्री से ऊपर का जो गलनांक जो होता है उसके ऊपर आपको ये हार्ड सोल्डरिंग करनी होती है। हार्ड सोल्डरिंग के अंदर भी इसी तरीके से होता है कि जोड़े जाने वाली जो धातु होती है उससे जो गलनांक जो है सोल्डर का जो गलनांक है वो हमेशा कम रखा जाता है और जिसके ऊपर आपको ज्वाइंट करना है उसका जो गलनांक है वो हमेशा ज्यादा होता है। हार्ड सोल्डरिंग के अंदर क्या होता है, हल्का फुल्का अगर उस पर दबाव पड़ता है तो वो खुलती नहीं है, ठीक है। अगर नीचे से कोई ना कोई ताप वगैरह लगता है यानी हीट लगती है तब भी वो आपका सॉफ्ट ज्वाइंट की अपेक्षा जो है हार्ड जो ज्वाइंट है वो हमेशा मजबूत आता है। तो जो सोल्डरिंग करने के लिए आपको चार प्रकार के डिवाइस जिसके अंदर कुछ उपकरण या टूल की आपको आवश्यकता होती है, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद आपको सोल्डरिंग के बारे में बताएंगे भी सोल्डरिंग क्या होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे भी इस तरीके से ये सोल्डरिंग है वो की जाती है। तो देखिए चार प्रकार के वो कंपोनेंट कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए नंबर फर्स्ट पे ये आपका इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है ना। इसकी मदद से, इसकी सहायता से सोल्डरिंग की जाती है और ये क्या है, एक तरीके का स्टैंड है, क्योंकि जब इसका जो आगे की जो टिप यानी जो टिप है इसका यानी जो सैंक जो होती है वो भी पूरी कंप्लीट है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे हम टेबल पे रख देते हैं या फिर वायर के ऊपर रख देते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है या फिर हमारी जो टेबल है वो जल सकती है, इसलिए जैसे हम कोई भी सोल्डरिंग करते हैं तो इस स्टैंड के अंदर रखना बहुत ही जरूरी होता है इस तरीके से, ठीक है। नंबर सेकंड पे आपको क्या मैंने बताया था आपको, सोल्डर, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका सोल्डर है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे कि भी सोल्डर है वो क्या काम आता है, किस तरीके से बना होता है, दो बता दिए। तीसरा क्या है आपका, फ्लेक्स, फ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि भी फ्लेक्स क्या होता है। और नंबर फोर पे है आपका सीट, इस सीट के ऊपर आपको बताएंगे इस तरीके से जो है सोल्डरिंग की जाती है। तो चार मैंने ये डिवाइस आपको बताए थे, चारों डिवाइस हमारे पास है। तो आइए अब जानते हैं सोल्डर के बारे में, ठीक है ना। भाई सोल्डर होता क्या है, सोल्डर प्रिय विद्यार्थियों एक प्रकार का मिश्रित धातु है यानी एक तरह की अलॉय धातु है यानी एक तरह का नॉन फेर्स मेटल होता है, ठीक है ना। नॉन फेर्स का मतलब मेटल होता है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा है वो नहीं होती, इसलिए ये क्या आपका नॉन फेर्स मेटल है। अलॉय यानी मिश्रित धातु इसलिए है क्योंकि ये दो धातुओं को मिलकर ये बनाया जाता है। एक धातु कौन सी होती है इसमें, टीन होती है, दूसरी धातु कौन सी होती है इसमें, लेड होती है, ठीक है ना। यानी कई बार क्वेश्चन आता है कि सोल्डर कौन सी धातु से मिलकर बना होता है, ये आपका टिन और लेड को मिलाकर ये बनाया जाता है। सबसे ज्यादा जो सोल्डर जो होता है इसके अंदर जो टिन और जो लेड होता है उसका अनुपात वाला जो सोल्डर है वो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर टिन और लेड की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो ये आपको नोट भी करना है कि इसके अंदर टिन की जो मात्रा होती है वो 63%
और जो लेड जो धातु होती है उसकी जो प्रतिशत रखी जाती है वो 37, ठीक है ना, यानी 37% रखी जाती है, और टीन की कितनी रखी जाती है 63%। दोनों को इतने अनुपात में मिलाने के बाद में ये आपका क्या बन जाता है, सोल्डर बन जाता है, ठीक है ना। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग अनुपात के अंदर आपका टीन और लेड जो है वो प्रयोग किया जाता है। और ये जो धातु जो होती है जो सोल्डर है, ये पीवी धातु काफी सॉफ्ट होती है, यानी ये नर्म होती है, ठीक है ना। तो इसका जो जो गलनांक जो होता है, जोड़े जाने वाली जो धातु जो होती है उससे इसका जो गलनांक है वो हमेशा कम रखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार प्रकार के, जिस तरह तांबा है, तांबे के लिए हम अलग प्रकार का जो है प्रयोग करते हैं, शीट मेटल के लिए अलग प्रकार का सोल्डरिंग सोल्डर का प्रयोग करते हैं, इसलिए धातु के अनुरूप जो है आपका ये सोल्डर बना होता है। तो आइए अब जानते हैं फ्लेक्स के बारे में। तो ये क्या है, इस डब्बी के अंदर फ्लेक्स है। फ्लेक्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई शीट के ऊपर या फिर वायर के ऊपर क्या करनी है, सोल्डरिंग करनी है, ठीक है ना। तो धातु को या फिर उस वायर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे जो इस वातावरण के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए तो आपका फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कई प्रकार क्या होता है, कई प्रकार किसी भी धातु के ऊपर, वायर के ऊपर डस्ट है या फिर जंग लगा होता है, उस जंग को खत्म करने के लिए भी इस फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब हम जिस स्थान पे फ्लेक्स लगा देते हैं और उसके बाद में सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डर का जो गलने का जो बहाव जो है, ठीक है ना, वो इससे तेज हो जाता है। जहां पे हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं वहां पे इस फ्लेक्स के द्वारा सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जिस स्थान के ऊपर आपको सोल्डरिंग करनी है, जैसे हम इस शीट के ऊपर सोल्डरिंग करेंगे, जब भी आप कोई भी वायर हो या कोई ना कोई शीट हो उस पर सोल्डरिंग करने से पहले उसको अच्छी तरीके से रेगमार से या एमरी पेपर से, ठीक है, या सैंड पेपर से, वायर हो या फिर कोई शीट हो उसको अच्छी तरीके से साफ करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मैंने पूरा शीट को रेगमार के द्वारा ये साफ कर लिया है, इसके ऊपर हम सोल्डरिंग आपको करके बताएंगे इस तरीके से सोल्डरिंग की जाती है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि जो सोल्डरिंग जो करते समय आपको कई बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जिस स्थान पे आपको सोल्डरिंग कर रहे हो, जिस स्थान पे आपको सोल्डरिंग है वहां पे एक रोशनी का प्रबंध होना चाहिए कि भी आपकी जो सोल्डरिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक सोल्डरिंग करने के लिए आपके लिए पास सोल्डरिंग आयरन को रखने के लिए एक आपके पास स्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, वो वायर को जला देता है या फिर नीचे जो टेबल है उसको जला देता है। कई बार क्या आ गया, वो कंपोनेंट के ऊपर भी सोल्डरिंग आयरन रख देते हैं, ठीक करने के बजाय वो दूसरा और खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल काफी सावधानी पूर्वक आपको सोल्डरिंग करनी चाहिए। तो आइए अब सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं सोल्डरिंग जो है वो कैसे की जाती है। तो लेट्स गो। तो देखिए पूरा सामान रेडी है, सबसे पहले हम फ्लेक्स को ओपन कर देते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, ये जो सीट जो है हमने ली हुई है, एक सीट ये ली है, ऐसे आपको बराबर इसमें पैरेलल रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो फ्लेक्स जो है वो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इस जॉइंट के ऊपर इस तरीके से आपको लगाना है, या ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाना है। सिर्फ ये क्या करता है, चिपकने का काम यहाँ पे कर देगा। रेडी। उसके बाद में शोल्डर हम लेते हैं और ये हमारा गर्म हो चुका है, इस तरीके से आपको ये यहाँ पे इस वायर को स्टार्टिंग पॉइंट आपको इस तरीके से लगाना है, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। ज्वाइंट के ऊपर
सेकंड टाइम हम कर देते हैं, ऐसा लगा कि जहाँ पे शोल्डर कम लगा है ठीक है। तो प्लेट को चेक करते हैं ये सोल्डरिंग हुई है नहीं हुई है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये सोल्डरिंग करनी होती है। दूसरी साइड से रखते हैं हम, सेकंड साइड से, इस साइड से हम भी सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए रेव दाटी इस तरीके से आप जो है सोल्डरिंग जो है कर सकते हो, ठीक है इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हमने आपको बता दिया, अभी इस तरीके से आप जो है सीट के ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हो। तो रेव दाटी हो कंप्लीट हमने सीख लिया है सोल्डर और सोल्डरिंग के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता है, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।